उत्तराखंड के हरिद्वार में बदमाशों ने गश्त कर रहे दो पुलिस वालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन बेलारूस को रूस से मिलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। रूस के साथ जंग में बेलारूस ही एक ऐसा देश रहा है जिसने शुरू से खुलकर रूस का साथ दिया, और अब दावा किया जा रहा है कि उसी बेलारूस को रूस में मिलाने के लिए पुतिन एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन बेलारूस में जनमत संग्रह करवाने की तैयारी में है और इसके जरिए वो बेलारूस को अपने देश में मिलाने की योजना बना रहे हैं। इसे पुतिन के सोवियत संघ को एक बार फिर खड़ा करने के सपने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उधर बेलारूस के सरकारी मीडिया ने भी दावा किया कि वहां के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के साथ अपने देश को मिलाकर एक देश बनाना चाहते हैं, जो कि पहले से ही यूक्रेन के साथ जंग में रूस की हर तरह से मदद कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन में घुसने के लिए रूसी सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल तक करने दिया, क्योंकि लुकाशेंको को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है, जो वहां 1994 से ही राज कर रहे हैं। लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनावों के बाद भारी विद्रोह हो गया था। कहा जाता है कि उस वक्त पुतिन की मदद से ही उन्होंने विद्रोह को दबाया और अपनी सत्ता बचाए रखी, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग छिड़ने के बाद जिस तरह से वो रूस का साथ दे रहे हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ फिर विरोधी सुर उठने लगे हैं। ऐसे में वो एक बार फिर पुतिन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हालांकि दोनों देशों को मिलाने का प्रस्ताव युद्ध से पहले का ही है, जिस पर लुकाशेंको ने लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रखी, लेकिन अब जंग में रूस का साथ देने पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध और अपने खिलाफ उठ रही आवाजों ने उन्हें उस प्रस्ताव की याद दिला दी।